चिल्ड्रेन होप यू ऑल आर डूइंग वेल जैसा कि आप जानते हो हम लेसन नंबर ट्वेल्व पढ़ रहे हैं मेजरमेंट सो टूडे इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट मेजरमेंट ऑफ मास मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर राइट सो लेट्स लर्न दैम वन बाई वन फर्स्ट वन इज मेजरमेंट ऑफ मास आपको पता होना चाहिए मास किसे हम कहते हैं ठीक है सो मास इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ मैटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट कंटेंस ठीक है वॉट इज मास मास इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ मैटर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट या ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट कंटेंस ठीक है आपने बच्चों देखा होगा जब हम किसी वेजिटेबल वेंडर के पास जाते हैं वेजिटेबल सेलर के पास जाते हैं हमने खरीदना होता है वेजिटेबल्स ठीक है तो वो वहां पे किस चीज का इस्तेमाल करता है ठीक है उसका मेजरमेंट तो करना ही है उसको वो वहां पर बैलेंस का इस्तेमाल करता है बैलेंस का यूज़ करता है डेज बहुत सारे अक्सर शॉप्स पे हम देखते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस, ठीक है उन बैलेंसेस से वो पहले मेजरमेंट करता है कितना है ठीक है फिर हमें वो दे देता है रिमेंबर डियर डियर चिल्ड्रेन वी यूज़ ग्राम्स मिलीग्राम्स एंड किलोग्राम्स फॉर मेजरिंग वेट्स किन का वेट करना है अगर हो ठीक है वेजिटेबल्स का या किसी और चीज़ का ठीक है हम उस वेजिटेबल्स सेलर को ये नहीं बोलते हमें किलोमीटर्स में सब्जी चाहिए मत बोलते हैं किलोग्राम्स में बोलते हैं हमें किलोग्राम्स में सब्जी चाहिए ठीक है हम किलोमीटर हम उसको ये नहीं बोलते हैं हमें इतना किलोमीटर सब्जी चाहिए या हमें इतना मीटर सब्जी चाहिए सो so, ये आप याद रखोगे वी यूज ग्राम्स मिलीग्राम्स एंड किलोग्राम्स फॉर मेजरिंग सच थिंग्स, ठीक है लाइटर वेट्स आर मेजर इन ग्राम्स एंड मिलीग्राम्स लाइटर लाइटर का मतलब है हल्का लाइट मीन हल्का लाइटर वेट्स आर मेजर्ड इन ग्राम्स और इवन मिलीग्राम्स एंड हेवियर वेट्स आर मेजर्ड इन किलोग्राम्स ठीक है रिमेंबर लाइट वेट्स आर मेजर्ड इन ग्राम्स और इवन किलोग्राम्स एंड द हेवियर आर मेजर्ड इन किलोग्राम्स एक किलोग्राम में थाउजेंड ग्राम्स होते हैं एक किलोग्राम में थाउजेंड ग्राम्स होते हैं ठीक है और एक ग्राम में थाउजेंड मिलीग्राम्स होते हैं ये याद आप रखोगे एक किलोग्राम में थाउजेंड ग्राम्स होते हैं और एक ग्राम में थाउजेंड मिलीग्राम्स होते हैं समझ में आ गया बेटा ओके द सेकेंड वन इज मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी आपको पता होना चाहिए कैपेसिटी हम किसे कहते हैं ठीक है कैपेसिटी का मतलब है गुंजाइश या हम इसको बोलते हैं वसअत ठीक है यहां पे मेरे पास ये कैटल है आप देख सकते हो ये आप देख सकते हो ये मेरे पास एक कैटल है टी कैटल है ये इस पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कैपेसिटी वन पॉइंट नाइन एल एल का मतलब है लीटर ठीक है इसकी कैपेसिटी कितनी है इसमें वन पॉइंट नाइन एल का मतलब है लीटर इसमें इतनी चाय हम भर सकते हैं ठीक है इससे ना ज्यादा ना कम यह कैटल जो है इसमें इसकी कैपेसिटी जो है इसकी गुंजाइश जो है इसकी वसत जो है वो है वन पॉइंट नाइन एल एल मीनस लीटर ठीक है बेटा नाउ व्हाट इज द कैपेसिटी द कैपेसिटी ऑफ अ vessel इज द अमाउंट ऑफ लिक्विड इट कैन होल्ड ठीक है द कैपेसिटी ऑफ अ vessel इज द अमाउंट ऑफ लिक्विड इट कैन होल्ड अगर हम यही कैटल ले, ले लेंगे फिर यहाँ पे मैं एक कप रखूँगी ठीक है तो ज्यादा कैपेसिटी किसकी होगी कप की या कैटल की किसकी होगी इस कैटल की क्योंकि इस कैटल की कैपेसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट ग्लास राइट बेटा ओके सो लीटर इज द स्टैंडार्ड यूनिट फॉर मेजरिंग कैपेसिटी कैपेसिटी मेजर करने के लिए इसका जो स्टेंडार्ड यूनिट है वो है लीटर अभी मैंने आपको दिखाया इस कैटल का नाइन पॉइंट वन एल एल का मतलब लीटर स्मालर अमाउंट्स आर मेजर्ड इन मिली लीटर्स ठीक है स्मॉल अमाउंट आर मेजर्ड इन मिली लीटर्स लीटर इज द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग कैपेसिटी ओके समझ में आया अब कैपैसिटी हम किसे कहते हैं ओके okay, बेटा आप ये भी याद रखोगे एक लीटर में थाउजेंट मिली लीटर होते हैं वन लीटर कंटेंस थाउजेंट मिली लीटर्स समझ में आया रिमेंबर वन लीटर इज इक्वल टू थाउजेंड मिली लीटर्स नाउ द थर्ड वन इज मेजरमेंट ऑफ टाइम अब टाइम को हम कैसे मेजर करते हैं वी नो वी यूज अ वॉच और क्लाक टू चेक द टाइम अगर हमने टाइम देखना हो हम या तो वॉच या फिर क्लार्क वॉच दिस वन घड़ी ठीक है और क्लाक जो हम वॉल्प लगाते हैं द टाइम इज मेजर इन आवर मिनट एंड सेकेंड सबको पता है आपको भी पता होगा द टाइम इज मेजर इन आवर मिनट और सेकेंड बट द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड इसका जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है सेकेंड कैपेसिटी का क्या है कैपेसिटी का स्टैंडर्ड uh, यूनिट क्या है वो क्या है शाबाश लीटर और टाइम का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है सेकंड। वन आवर इज इक्वल टू सिक्सटी मिनट्स एक घंटे में सिक्सटी मिनट्स होते हैं सो सिक्सटी मिनट्स का एक घंटा बनता है तो एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं फिर सेकंड सेकेंड सेकेंड्स राइट वन आवर इज इक्वल टू सिक्सटी मिनट्स and 1 minute is equal to 60 seconds is um, time ka standard unit kya hai wo hai second now the last one is measurement of temperature हम हर रोज़ सुनते हैं news about weather. Weather वेदर की न्यूज़ हम हर दिन सुनते हैं आज इतना टेम्परेचर था शाम को इतना था दिन को इतना था सो वाट इज टेम्परेचर आपको ये पता होना चाहिए टेम्परेचर हम किसे कहते हैं सो टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन डिग्रीज इज कॉल्ड टेम्परेचर टेम्परेचर को हम कैसे डिफाइन करते हैं द मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन डिग्रीज इज कॉल्ड इट इज टेम्परेचर रिमेंबर टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं इन सेल्सियस हाइट और कैलवन इस टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं इन सेल्सियस हाइट और कैलवन बट द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज यस इट इज कैलवन स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो है स्टैंडर्ड यूनिट जो है टेम्परेचर का वो है यस कैलवेन के ई एल वी आई एन इसको हम डिनोट करते हैं के से ठीक है बेटा अगर हमने बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना हो तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं थर्मोमीटर का ठीक है बॉडी टेम्परेचर को हमने मेजर करना है तो हम करेंगे वो थर्मोमीटर से वो क्लिनिकल थर्मामीटर भी है वो अलग टॉपिक है तो आप यहाँ पे याद रखोगे जो हमारे जिसम का हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो थर्टी सेवन डिग्री सेल्शियस थर्टी सेवन डिग्री सेल्शियस अगर हम सेल्शियस में देखेंगे तो थर्टी सेवन डिग्री है और अगर हम फॉरन हाइट में देखेंगे तो वो होता है नाइन्टी एट पॉइंट सिक्स डिग्री फॉरन हाइट रिमेंबर डियर चिल्ड्रन द नॉर्मल बॉडी of ऑफ अ ह्यूमन a बॉडी इज is 37 डिग्री सेल्सियस सेल्सियस में ठीक है अगर फॉरन हाइट में देखेंगे तो वो है नाइन्टी एट पॉइंट सिक्स डिग्री फॉरन हाइट ठीक है बेटा सो so, इसी के साथ आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है कल फिर मिलेंगे आपसे इनशाला तब तक खुदा हाफ़ एंड टेक कयर